नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे बेहतरीन कलाकार है जिसका कोई मुकाबला नहीं। उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी की तारीफ बच्चे से लेके बूढ़े तक करते हैं। आज इस बेहतरीन कलाकार का 48वां जन्मदिन है और इस खास दिन पर लाखों करोड़ों फैंस उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। नवाज आज के समय में अपनी उम्दा एक्टिंग से सबके दिलों पर राज कर रहे हैं और अपनी कलाकारी के दम पर आज उन्होंने कई दिग्गज कलाकारों को पीछे भी छोड़ दिया है। लेकिन उनके यहाँ तक का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। नवाज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले कई मुश्किलों का सामना किया है और कहते हैं ना कि जब तक रास्ता उतार चढ़ाव भरा ना हो तब तक ज़िंदगी जीने का असली मज़ा नहीं आता। इसलिए आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनके करियर से जुड़ी अनसुनी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो शायद ही कोई जानता हो। नवाज का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना इलाके में हुआ था और वह अपने 9 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे और पूरे साल मेहनत कर पैसे कमाते थे ताकि ईद वाले दिन वह फिल्म देख सके। लेकिन नवाज को अपना मोहल्ला नहीं पसंद था, इसलिए वह हरिद्वार चले गए और वहां जाके उन्होंने BSc किया और गुजरात के बड़ोदरा शहर में केमिस्ट कंपनी में जॉब करने लगे। लेकिन नवाज का इस काम में मन नहीं लगता था पर पैसे कमाने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ा। इसके बाद नवाज को एक दिन उनके दोस्त ने गुजराती नाटक दिखाया जिसके बाद नवाज ने पक्का कर लिया कि वह अब एक्टर बनेंगे और फिर जल्दी से उन्होंने दिल्ली के स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और साथ ही साथ नोएडा की एक खिलौने की कंपनी में बतौर वॉचमैन काम भी करने लगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नवाज मुंबई पहुंच गए जहां पर उन्होंने अपने एक सीनियर के साथ रूम शेयर किया। नवाज सीरियल्स में काम करने के लिए आए थे लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिला। लेकिन कुछ समय बाद ही आमिर खान की सरफरोश में उन्हें एक छोटा मोटा रोल मिला और फिर मुन्ना भाई MBBS में भी एक जेब कतरे का रोल मिला। इसके बाद 2 साल तक नवाज को कोई काम नहीं मिला और इस नाकामयाबी को देख नवाज हताश रहने लगे। उन्हें हमेशा अपनी माँ की एक बात याद आती थी कि 12 साल में तो कूड़े के दिन भी बदल जाते हैं बेटा, तू तो इंसान है। बस इसी बात को याद रख नवाज ने कभी हार नहीं मानी और फिर 2 साल बाद नवाज को एक बेहतरीन मौका मिला। नवाज अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में काम किया और यही नवाज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद से नवाज की अलग ही पहचान लोगों के सामने आई और फिर उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। तो ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अनसुनी कहानी कि आखिर कैसे इतने नाकामयाबी के बाद कभी हार नहीं मानी और आज बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में अपना नाम शुमार कर लिया। ऐसे बेहतरीन कलाकार को मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी बॉलीवुड की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद।